बाल बजरंग बली की जय। श्री राधे कृष्णा। आगे ताजा सब्जी बोल यार, यार। ताजा सब्जी आ गई क्या? सब्जी तो तोला 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 ये सड़ी सब्जी रख रहा है, जल्दी निकाल, जल्दी 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 ताजा सब्जी आने और चरेट। ले लियो सब माल, पूरी दुकान खरीद गई तमन्ना रहो। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के जंगल में, जहां हम लोग पार्टी वार्टी करने वाले हैं। और ये है विकास भाई जो मेरे साथ में सामान लेके चल रहा है साथ में। ऐसा है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। गांव की देसी टिक्कड़ पार्टी कैसे कैसे कौन सी हम रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखना। कुल मिला के अभी शुरू करने वाले हैं, बस थोड़ी देर पहुँच के ये देखो जंगल में। अरे वो देखो फिर लमा को मुँह धो के रेडी, आज नहाया तो कोई सा नहीं हम में से। तो अभी जस्ट 10 बज चुके हैं और ऐसा था कि आज की वीडियो में आप सभी के साथ एक स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगा और दिखाऊंगा कि भाई ऐसा है कि 20K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी पूरी 20K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की, जो जो आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो अभी जस्ट उसकी खुशी में हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि 20K फैमिली मेम्बर्स मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गाँव के देहाती आदमी ने 20K सब्सक्राइबर कर लिए, मेरे लिए तो भाई यही है, बाकी आपकी दुआओं से एक दिन मिलियन भी होंगे ये तो खैर पता चलेगा। तो अभी जस्ट हम लोग एक पार्टी कर रहे हैं, पार्टी वाले तो भंडारा कर रहे हैं क्योंकि पार्टी का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। तो ये बैठे मेरे सारे मित्रगण, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, अभी तो जस्ट इधर से लहसुन छील रहे हैं, प्याज व्याज काट रहे हैं, प्याज व्याज काट लिया और इधर रख दी हमने दाल बनाने के लिए। तो ऐसा है कि जो दाल हम बना रहे हैं ये स्पेशल दाल हो जाती है उसको, मतलब मान लो कि लाइक पनीर की जो बहुत हैवी से हैवी सब्जी बनती है, हल्दी की जो हैवी से हैवी सब्जी बनती है ना, उन सबसे भी टॉप ये सब्जी बनती है दाल, स्पेशल दाल। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पक्का आखिर तक देखना यार, है ना। तो सबसे पहले तो दाल रखी थी तुमने, तो सीजने के मारा सर ये दाल रखी है इसमें सीजने के लिए, बाकी देसी चूल्हा है जो हमने ईंटों से किया जुगाड़ दर दर ला के, और लकड़ी तो खैर जंगल है, जंगल में काफ़ी सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी तो बस उनको जला रहे हैं। तो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा आप क्या क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा है कि यहाँ पे एक मंदिर है तो मंदिर पे किया हमने प्रोग्राम, और ये जगह है जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं हमको, यहाँ पे पानी कोई सुविधा कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि पानी की टंकी यहाँ आई, मैं आता जाता रहता हूँ, पहले भी जगह देखी होगी आपने। तो दो नाम छील लो लसन, छीला छीला ऐसे जुगाड़ है, यहाँ कौन से बर्तन रखेगा यार। कर दियो खेल चालू, कुल्हाड़ी वगैरह तो लेके नहीं आए, तोड़ने का नया तरीका देखो, लकड़ी काटने का, लकड़ी तोड़ने का, क्योंकि सूखी सूखी लकड़ी है और ऐसे ही कट जाएंगी, तो ये मजा ही कुछ और है। 2200 कट गया और वाह शाबाश, शुरू हो चुका हमारा प्रोग्राम। जय तो बोल रहे हैं फिर, बोल बजरंग बली की जय। तो चूल्हा एकदम फुल स्पीड में जला दिया और एकदम थोड़ी देर में दाल पक जाएगी, तो दाल सीज के हो चुकी है रेडी, टनाटन एकदम ढक दे ढक दे ढक दे ऊपर। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसमें भाई डाल दिया है सब कुछ जो भी है, हल्दी हो गई, मिर्ची मोह दिखता रही नहीं वैसे तो, खैर थोड़ी डाल ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मिर्ची मत डाल दीजिए, सबसे पहले दिक्कत आया ना। तो दूसरी साइड अभी मिर्ची पीसना शुरू कर दिया है, लहसुन छिल गया जो मैंने छील लिया कंप्लीट, चूल्हा चल वैसे लकड़ी जल्दी यार। तो इधर की साइड हम पीस रहे भाई ये प्याज और मिर्ची को, और ये पत्थर हमारे पास है नहीं लेकिन पीसने का तो जुगाड़ पूरा है, टू जेड सिस्टम यार। ये है भैया हमारा देसी देसी जुगाड़। 2 मिनट मेरी यार आंख में चपरा लगा यार, कहीं पर नीचे भाई सही है ज्यादा
अरे आवरण से हुआ रूबरू तो दाल की भगोनी रख दी। अभी इसमें तेल डाल दिया और तेल डालने के बाद ऐसा इसी में घी डालेंगे हम लोग, क्योंकि तेल हल्का सा डाला ताकि कलर अच्छा आ जाए दाल का, क्योंकि हल्का सा तेल डालेंगे घी के साथ तो कलर बढ़िया हो जाएगा। अब इसके बाद डाल दिया घी जो कि पता नहीं कौन सी कंपनी का था लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो इसमें लहसुन मिर्ची प्याज वगैरह वगैरह सब काट, जब जल्दी हम डाल दें, हमें जल्दी जल्दी डाल दें। अरे वो पक गो, जल्दी डाल, जल्दी 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 डाल। अरे यार तू बेकार टेस्ट कर, और काल डालेगा तो पेस्ट थोड़ा डालेगा, जल्दी डाल मसाला पक गो, तेल पक गई, घी पक गो। अरे आग लगवा दो तुम यार, लेटर पार्टी छोंक छाक कर, जल्दी जल्दी गिरे जाओ, पहले पहले ले ले, छोंक दे आग नहीं लग जा, मोड़े दूर रख जो छन। तो भाई घी तेल वेल डालने के बाद इस तरह छोंक लगा दिया, सब जो मसाला पीसा था उसका, बाकी इधर की साइड टमाटर वमाटर अभी कट रहे हैं, थोड़े लेट है ये, टमाटर गलती कर दिए। अरे वो पक रहा हूँ संग संग, पहले कोई दिक्कत नहीं होता, पानी तो अभी इनके चारों पांचों को लड़ाई झगड़े हो रही है कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब मसाला डाल दिया जो मिलाया था ना इसमें, सारा का सारा हो गया काम कंप्लीट, बस ये होगा काम। तो इस मसाले को पकाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, तब जाके ये शानदार वाला पक जाएगा, तब आएगा इसमें मजा, उसमें एकदम लाइक ग्रेवी बन गई एकदम शानदार वाली। तो हमारे पास जुगाड़ तो सारे हैं आटा छानने के लिए, हमारे पास ये भी है जुगाड़ छलनी है कि आटे के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन, क्योंकि बेसन डालने से क्या थोड़ा स्मूथ स्मूथ हो जाएंगे, और सूजी भी लाएगा। तो आटे के साथ बेसन डाला है, बेसन के अलावा हमने डालेंगे सूजी, और सूजी के साथ इसमें मिक्स करेंगे क्या अजवाइन है ना, अजवाइन नहीं सॉरी सौंफ, सौंफ 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 सौंफ। ये डाल दिया भाई सूजी, क्योंकि बेसन हो गया, बेसन के अलावा सूजी हो गई, और आटा तो खैर है ही है, तो इन चीजों की बनाई जाती है टिक्कड़ और शायद सौंफ, सब डाल दिया हो गया खेल भाई। ये डाल दी सौंफ, अब इस सब के बाद क्या बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है चीज, अलग अलग 3-4 तरह के टेस्ट आते हैं, और सौंफ एक ऐसी शायद पाचन में, पाचन के लिए इसको डालते हैं यार। तो बस होने वाला है थोड़ी देर में काम कंप्लीट, वीडियो को देखते रहो। तो मसाला पकने के बाद डाल दी इसमें दाल, और ये लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी देर इसको मिलाने का इंतजार करेंगे। अब आटे लगा दे, चलते खुशबू शानदार वाली खुशबू आ रही है। तो ऐसा है भाई, दाल बन के रेडी हो चुकी है, और अभी दोने में लेके टेस्ट कर रहे हैं नमक वगैरह वगैरह। तो नमक क्या, मैं क्या नमक डाल, थोड़ा सा नमक डाल, ज्यादा मत डाल जो वाला, ज्यादा मत डाल छोरा, बस 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 अपना सब ले लेंगे, सब अपना ले लेंगे सब। अरे नमक फेंक दिया। तो अभी क्या रेडी हो चुकी है दाल, तो सब टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। अब मिर्ची मिर्ची कम तो नहीं है, मिर्ची कम रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए मिर्ची, बस सब सही है ना, ये बने। तो ऐसा है कि दाल तो हो चुकी है रेडी, टेस्ट वेस्ट कर ली है, मुझे मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने मिर्ची कम ही करवाई है, बाकी जो कह रही मान लो ये बहुत ज़्यादा अल्टीमेट दाल होती है, एकदम घी में ही पका है, घी में ही तली है, जो भी बोल सकते हो, और ये काफ़ी स्पेशल हो जाती है, एक दाल होती है जो सिर्फ इनको पता है, मैंने तो पहली बार खाऊंगा, क्योंकि लोग बहुत दिनों से तारीफ वारीफ करते थे कि भंडारे में इस बार दाल बननी चाहिए, मैं सोचा दाल तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, फिर उन्होंने बताया कि दाल भी स्पेशल होती है, तो आज खा के देखते हैं, बाकी ये लोग तारीफ करते हैं उस अकॉर्डिंग होनी भी चाहिए। तो आटा वाटा भी हो चुका है रेडी लगभग लगभग लग के, अब बस टिक्कड़ बनाना बाकी, जो थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक और बंदा आएगा टिक्कड़ बनाने के लिए, इनको तो बनाना नहीं आता, ये दाल के खिलाड़ी है, बना दिया, अब टिक्कड़ बनाने वाला आ रहा थोड़ी देर में। तो ऐसा है कि भाई हमको तवा नहीं मिला, तवा कोई फोड़ के चला गया मिट्टी का, तो जस्ट हमारे बंदे जुगाड़ करके लेके आए मटकी, जो पता नहीं किसी टोटके वोटके की कहाँ से उठा ले रहे कब्रिस्तान से, मरेटा में से लाए दी गए मरघट में से। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा, भूत भूतों का डर नहीं है, बस हमको तवा मिलना चाहिए। तो तवे के साथ में हमने धूनी वाला चिमटा लिया, जो बाबा जी का चिमटा है, वहाँ गड़ा रहता ना, तो अभी इसके लगा लेंगे टिक्कड़, ले तब बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी इसी का बनाएंगे तवा वगैरह, थोड़ा मत दीजिए, काम चलना चाहिए।
अरे वाह एक्सपीरियंस वाह, मान गए आप टमाटी मान गए। और भाई ये निकल चुका हमारा तवा। अरे चेटा हो रहा है, चेटा मैं पहले चेटा मैं। अब एक काम करो, ये चेटा बेटा तो बेचारे नजर डालो, इसके बाद इसको धोलो ढंग से, मजा आ गया। वास्त में यात्रा पार्टी मान गवास तो तथास्तु, बहुत आगे तक जाएगा। एक बात तो है यार, हमारे बंदे जुगाड़ करने में नंबर वन एक्सपर्ट है, आज ये बात आपको भी पता चल गई होगी। खैर गांव के बंदे होते एक्सपर्ट है, देखो मटकी का ऊपर का हिस्सा ये रहा, नीचे का हिस्सा ये रहा, तवा बनाने का खतरनाक जुगाड़ है। और एकदम शानदार वाला तवा है, एकदम पतला सा जिस पर टिक्कर शुरू करते हैं, बस वो बंदा आ जाए जल्दी से टिक्कर सेकने वाला। ये काम तो लगभग हो गया। अब चिमटा, चिमटा दिखाता हूँ एक बार, देखो ये है ना तगड़ी चीज, ये बाबा जी की धोनी वाला चिमटा है जिसको हम काम में लेंगे अभी। तो आ चुका हूँ बंदा जिसका इंतजार कर रहे थे, और टिक्कर का मास्टर यही है क्योंकि इसको ही आता है बनाना, बाकी हम तो सब, क्योंकि हमको सिर्फ दाल बनाना आता था जो बना दी, बाकी अकबर क्या है काफी दिनों से बनाता है। यार दो तो सीख जाएंगे, सही बता देख ले तू। अरे यार तो खतरनाक है, एक संग दो दो लग्जरी जुगाड़ है। अच्छा चौड़ा चौड़ा तो है इसलिए। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ बनाओ। तो एक बंदा क्या है बेल रहा है, दूसरा बंदा सेक रहा है, तीसरा बंदा घी लगा रहा है, पांचवा बंदा वीडियो बना रहा हूँ। अब मेरा नंबर आने वाला है क्योंकि अब मैं घी भी मेरी लगाने की जिम्मेदारी है, तो वीडियो बंद करते हैं। अब जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब दिखाऊंगा आपको ए टू जेड क्या क्या कैसे कैसे रेडी हुआ। बाकी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखो इसमें क्या छेद की है, बाद में जब आटा डाल दिया उसके बाद जब उसके ऊपर रख दिया तवे के ऊपर, तब इसमें चक्कू से किए ताकि इजिली आँच ऊपर से नीचे तक आ सके और अच्छे से सिक सके। उसके बाद इनको रख दिया अंगारों पे ताकि अच्छे से कड़क सिक सके, बाकी बाद में इसमें डाल दिया ताकि इसको घी लगा सके अच्छे से, और घी फैलेगा नहीं क्योंकि इसमें भर भर के घी लगाएंगे हम लोग, क्योंकि घी काफ़ी महंगा है, 800 रुपये किलो के वहाँ पे घी, 850 चलो शायद गाँव में 850 रुपये किलो घी है भाई, तो भाई इसमें लगाना पड़ेगा आराम आराम से ना, घी फैल होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, चरेटा होना है। तो ऐसा है सब कंप्लीट हो चुका है, दाल इसमें है, बाकी टिक्कड़ हो चुके हैं रेडी, और ऐसा है जले भले नहीं है, इनको बहुत अच्छे से सेका है क्योंकि सूजी वगैरह जो होती है ना थोड़ी स्ट्रांग होती है, और सूजी जब सिकती है ना थोड़ी इस तरह की हो जाती है। तो पतल तो ना निकालो, झाड़ दो पहले, झाड़ो झाड़ो झाड़ो, इधर चप्पल मत ले जाओ नहीं तो देवता कर देंगे खड़ा। ऐसा है कि सीरियस बात है कि हम जिस स्थान पे टिक्कड़ पार्टी करें ना, यहाँ अगर तुम चप्पलों के साथ आगे तो मजाक नहीं, सीरियस बात है कि यहाँ मधुमक्खी मधुमक्खी आ जाती है चारों तरफ से, ये जगह का अचंबा है, आश्चर्य जो भी बोलो, लेकिन मेरे हाथ में चाय वाला फूटो तुरंत फूटो, मतलब सीरियस बात है, यहाँ पे कोई भी मजाक के तौर पे भी अगर चप्पल लेके आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत भयंकर। ये पता नहीं कोई दो भी है, माया भी सकती है, जो कुछ भी है। मैंने देखा एक बार मेरे फ्रेंड के बिल्कुल माखी चेक गई थी, वो एक बार नहा के आया था घर से, उसके बाद उससे बहुत दूर हुई थी माखी। तो ये मान लो यार रियल घटना है और वास्तव में चीज अच्छी लग रही है। बिल्कुल तो करते हैं पार्टी स्टार्ट, सबके सब रेडी है। ले पत्थर पत्थर धोना ले, जल्दी करो रे यार, भूख लग रही बहुत तगड़ी, जल्दी करो खेल। तो वही हो चुका है टिक्कर रेडी और एकदम सबके सब आने लगे, कैसे लग रही है अल्टीमेट। एक मिनट और जय बोल दो, बोलो बजरंग वाली की जय। अभी भूखे पेट हो, जब धाप जाओ जब एक मिनट और बोल दो जय, ठीक है। तो भाई अपने लिए तो यही है अपना थार, क्योंकि अपन दशी में खाएंगे, क्योंकि सबके सामने पत्थर ले ली, और यही है जिंदाबाद। तो अब तो आड़े पड़ पड़ खाली तमन्ने, अब खुश हो। तो एक काम कर जो, ये बर्तन बर्तन धो दिए मैंने, ऐसा है भाई कंप्लीट हो चुके और खा पी के मान लो आंसू तक आ गए, इतनी शानदार दाल बनाई है विकास ने, नहीं मैंने सजा रिंकू ने करी है यार। चलो जो भी है, आई होप ये चीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, बाकी घर जा रहे ब्लॉग तो घर का ही करेंगे, लेकिन यहाँ का तो जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, रेसिपी शेयर की, टिक्कर पार्टी शेयर की। तो चलो चलते हैं घर पे, मसाले वसाले सबको रख दो, अगली बार काम आएंगे ना, लहसुन और ये चिमटा जहाँ से लिया वहीं रख दीजिए, है ना, ठीक है सुनील जी। ओके हाँ कैसे बना माल, बढ़िया। तो चलो बढ़िया, हाँ भाई साहब सब ठीक है,
बाबा टिक कर 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 पाले पहले अरे खा ले बाबा अरे खा ले बाबा थोड़ा खा ले आजा। तो ऐसा है जस्ट कि मोबाइल सिर्फ 2% चार्ज बता है, जो दिखाने को तो काफ़ी कुछ था। आज मैंने वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बनाई है, कहीं फ़ोन चार्ज नहीं था, काम में लाइट नहीं आ रही। तो चलो चलो घर। कैसी बनी दाल? बिल्कुल सुपर। हाँ मित्र, तो अगले दिन सुबह के 7:30 बजे हैं और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक अच्छी सी कमेंट छोड़ देना, बाकी वीडियो को लाइक करके जो बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम जी, जय जोहार।